सब गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 इन द आफ्टरनून। ये जो पार्ट में शूट कर रहा हूँ एक्चुअली ये सेम डे है, कल हम लोग ने इतना काम किया आज इनफैक्ट इतना काम किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अभी हम लोग की जो सेवा है, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की थी कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को अगर कुछ भी डाउट था तो मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अभी स्वामी जो होते हैं, साधु जो होते हैं और संत जो होते हैं, मतलब ये तीनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। इनको खाना जो सर्व करते हैं, एक संत को सिर्फ एक संत खाना सर्व कर सकता है या वो होना चाहिए एक ब्राह्मण। अभी मैं और मेरा भाई हम लोग ब्राह्मण हैं और यहाँ पे नासिक में बहुत बड़ा हमारा मंदिर बन रहा है, तो जस्ट बिकॉज मंदिर बन रहा है एंड आज स्पिरिचुअल हेड मोहन स्वामी महाराज भी वहाँ पर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ कमिंग, उनके साथ और 100 संत 150 संत आ रहे हैं, प्लस वो मंदिर के संत और मुंबई के थोड़े बहुत संत, तो ऑलमोस्ट 300-400 संत है। और उनको खाना जो है सर्व करने के लिए, और सिर्फ खाना सर्व करना नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट होता है। मतलब मैं जो सीखा हूँ ये पूरे टाइम में, मैं इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग बना सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस इन शॉर्ट। तो हम लोग ने पूरा दिन ये किया, तो मैं ये अभी हम लोग लेके जा रहे हैं फ्रूट, इसमें भी फ्रूट है, इसमें भी फ्रूट है, इसमें ग्रेप्स, ये एप्पल, पीच, ऑरेंज, ये मटुंडा है ना? नहीं नहीं, मटुंडा संतरा है, संतरा है। काटने के लिए जो मैंने फ्रूट डाला वो काटेंगे, फटाफट लेके आते हैं। महाराज चप्पा दो ना, चप्पा चप्पा एक भी चप्पा नहीं है, मतलब सब कदम फ्रूट काटने के लिए कुछ भी नहीं हो। सनी महाराज से ही पूछ रहा हूँ, धोने में भी नहीं। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे पूछ के आता हूँ, और ये है बाहर से बंद। मिल गया चप्पा, चलो भाई एक चाकू मिल गया। इधर से जाएंगे पूरा एडवेंचर करके, भाई माँ कसम अगर मैं इधर से गिरा ना खत्म भाई। अभी मैं इसमें भर के लेके जा रहा हूँ अखरोट, मतलब ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, अखरोट भरेंगे पूरा और वापस इधर लाएंगे। तो अभी जिस बंदे से लेना है वो बंदा ही गायब है, वो मिल ही नहीं रहा। अभी रुकते हैं इधर थोड़ी देर। तो अभी ये लेके जानी है ट्रॉली, और ट्रॉली ग्राउंड फ्लोर पे सामने की साइड पे बेसमेंट में रखनी है, तो इसको अनलोड करते हैं। भाई हमने हमारा काम कर दिया, ट्रॉली रख दी, अभी भागते हैं वापस में। नहीं, चॉकलेट वाला, चॉकलेट
चॉकलेट वाला चाहिए, सेक दो और ये न्यूट्रेला लगा दो। मैं लेने जा रहा हूँ जाम, क्योंकि ये साइड पे जाम सब खत्म हो गया, तो जाम लेकर। जाम चाहिए, जाम जाम। सनी भाई किधर है? ओ सनी भाई, जाम 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 जाम। अब बोल रहा हूँ मिल गया मेरे को। अभी हम लोग को खुद से सैंडविच बनानी है ये मशीन में, तो इधर खुद के लिए बटर का होगी। अरे आना, ये नहीं गाना है भाई, ओनली न्यूटेला। पहले मैं ये साफ कर देता हूँ ना, तो ये पूरा करेंगे साफ दम फट। भाई तो मैं अभी 15-20 मिनट थोड़ा सो के उठा, भाई तो अभी मैं 15-20 मिनट सो के उठा, इतना ज्यादा थक गया हूँ। हम लोग को 5 मिनट भी फ्री नहीं है, मतलब बहुत थकान हो रही है। फिर से खाना लेने जा रहा हूँ मैं, इट इज 11:15। 10:50 को मैं सोया था, फ्री थे 10:50 को, तभी लेके आते। भाई हालत ख़राब है यार। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर, इट इज़ 5:30, और ऊबर ऑटो बुक किया, क्योंकि भाई ये इधर लिटरली कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे को वही हो रहा है कि ऐसा कैसे है, क्योंकि ये साइड पे पूरा सब कुछ बंद बंद है, और वहाँ पे जाके सबसे पहले 5 मिनट में फटाफट एक चाय निपटाएंगे और काम पे लगेंगे। बीएससी बायोटेक सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में कितने साल होते हैं उसके? उसके कितने साल होते हैं? साल फाइनल ईयर है। जब बीएससी बायोटेक, इसके बाद भी फार्मा करूंगा, फिर हो गया। अरे वाह, फिर क्या करोगे आगे? मस्त बड़ा सर हाईवे पे अपना जमीन है, उसी पे मस्त खोलूंगा मेडिकल। इधर रसोई नहीं करना है? रसोई तो पार्ट टाइम है मेरा। शौक है कभी मन, रसोई शौक है, जब कभी मन हुआ सेवा वेवा करने के लिए। कुछ भूख लाया आगे आ गया। आई क्यों कह रहा हूँ, स्वामी जी बुला लिए थे तो बैठ गया था। एक साथ लेके जा रहे इतना ज्यादा खाना, बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये फाइनली अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच जाएंगे, बस देर। तो एक अच्छी बात ये होगी, पूरा साफ है आज, कोई है नहीं, तो हम लोग का ये अच्छे से हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। इट इज आज थोड़ा लेट हो गया, बट लेट एक्चुअली हम लोग की गलती की वजह से नहीं हुआ। कुछ लोग थे जो हम लोग के रूम, एक्चुअली 20 लोग हैं, तो बाकी के जो 20 लोग हम लोग को छोड़ के 18 लोग, तो वो लोग नहा रहे थे, तीनों बाथरूम ऑक्यूपाइड थे, तो इसके लिए हम लोग नहा नहीं पाए। तो इट इज 7:05, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आज चलेगा, क्योंकि जो किचन था जो मैं कल आपको बताया पूरा इधर से उधर कर रहा था, वो सब नीचे है ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं है। तो अभी हमारा नसीब इतना खराब है कि बस जस्ट निकल गई, तो खुद कुछ ना कुछ फिगर आउट करके हम लोग को जाना पड़ेगा। रिक्शा में यार चले जाएंगे। और ये एकदम क्लियर मस्त लग रहा है, लेकिन अभी यार बस नहीं है तो क्या करेंगे पता नहीं।